अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। सो टुडे आई एम शेयर विद यू अनदर रिव्यू अबाउट दीज प्रोडक्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ यू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। सो टुडे वीडियो इज ऑल अबाउट पीएच टेस्टिंग वैल्यू ऑफ फेमस ब्रांड शैम्पूज। अच्छा जी, तो जब से मेरे डिटेल पीएच टेस्टिंग के शॉर्ट्स वायरल हुए हैं तब से मुझे रिक्वेस्ट आती है कि आप एक सेपरेट डिटेल वीडियो बना दो शैम्पूज पे, फेस वॉशेज पे, मॉइस्चराइजर, सोप एंड सनस्क्रीन एक्सेट्रा। तो हाँ, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे शैम्पू लेकर के बैठी हूँ, अराउंड 10 ब्रांड्स हैं शैम्पू के। तो आज हम इन शैम्पूज की असलियत जानेंगे कि इनमें से कौन सा शैम्पू खराब है, कौन से शैम्पू अच्छे हैं, ये सब खराब है या सब अच्छे हैं, तो आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर कर दूं कि हमारे हेयर का और स्कैल्प का पीएच अलग अलग होता है। तो हमारे स्कैल्प की पीएच वैल्यू होती है 4 से लेके 5.5 के बीच की, और हमारे हेयर की पीएच वैल्यू होती है 3.5 से 5 के अराउंड के बीच की। तो हमारे शैम्पूज जो है वो ना ही 3 से कम होने चाहिए और ना ही 7 से ज्यादा। अगर ये शैम्पू 3 के 7 के बीच में है तो इट्स फाइन, अगर नहीं है तो आपको हेयर प्रॉब्लम्स होंगी, लाइक रफनेस, हेयर फॉल, स्कैल्प इरिटेशन, इलनेस, डैंड्रफ, रिसीडिंग हेयर लाइन, फ्रीजी हेयर, बालों का पतला होना, बालों से चमक चले जाना एक्सेट्रा। अच्छा जी, तो शैम्पूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, हमारे हेयर के लिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो चुके हैं, लेट्स स्टार्ट द टेस्टिंग। अच्छा जी, तो आपने कभी अपने शैम्पू की लिस्ट को चेकआउट किया नहीं ना, सो डोंट वरी, आप इसे लिटमस पेपर की हेल्प से पता लगा सकते हो कि आपका शैम्पू कैसा है। अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं पीएच टेस्टिंग वाटिका के शैम्पू के साथ। तो ये है वाटिका का शैम्पू। वाटिका के हेयर ऑयल की तो सबको पता है कि क्वालिटी आउट क्लास होती है, और अब इसका देखते हैं कि शैम्पू का क्या रहता है, हेयर फॉल कंट्रोल क्लेम करता है ये। सो द रेटिंग इज 6 बट आफ्टर फ्यू मिनट कलर हैज चेंज सो फार, सो द रेटिंग इज 8। अरे भाई साहब, ये क्या हुआ, वाटिका ऑयल्स बाल उगाने का काम कर रहा है और शैम्पू हटाने का। अच्छा, तो सेकंड हम टेस्टिंग करेंगे क्लियर मेंस एंटी डैंड्रफ शैम्पू की, कूल एंड ब्लैक शाइन। अच्छा, तो इसे आई थिंक बॉयज काफी ज्यादा यूज करते हैं, और अब देखते हैं कि ये जो क्लेम करते हैं एंटी डैंड्रफ का, ये एक अच्छा शैम्पू है या नहीं। अच्छा जी, तो ये स्ट्रिपर बिल्कुल चिमट चुका था, तो मैंने इसको पानी में डिप करा, जब जाके इसका पीएच लेवल वाजे हुआ। सो द रेटिंग इज 8.9 के अराउंड समथिंग इसका आ रहा है। प्लीज बॉयज, अगर आप इसे यूज कर रहे हो या कोई भी यूज कर रहा है तो प्लीज स्टॉप यूजिंग दिस। ये आपका डैंड्रफ कंट्रोल करना तो दूर की बात, आपको गंजा कर देगा, आपको अनुपम खेर बना देगा। एंड द थर्ड वन इज अपना बचपन फेवरेट लाइफ बॉय का शैम्पू। तो जी, इसका भी पीएच टेस्ट करते हैं और पता लगाते हैं कि अच्छा शैम्पू है या नहीं। यह है लाइफ बॉय का नेचुरली स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ शैम्पू। फिगर नॉट में सबको पानी में डिप करके ही आपको पीएच वैल्यू बता रही हूँ, वो सब मैंने साइड में रखा हुआ है, मुझे थोड़ा इशू है यूट्यूब पर वीडियोस बनाने पर। मैं बीटीएस शेयर करूंगी इंस्टाग्राम पे, आप लोग देखना, अगर फ्रेम पानी की वजह से खराब हो जाता तो मैं दोबारा इतनी जल्दी वीडियोस नहीं बना पाती। सो द रेटिंग इज 6 बट आफ्टर फ्यू मिनट द रेटिंग इज 8। वन मोर फेवरेट शैम्पू, यह है पैंटीन का स्मूथ एंड स्ट्रॉन्ग शैम्पू। तो इसको भी हम पीएच टेस्ट करते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट है या नहीं। मुझे पैंटीन ब्रांड तो बहुत ही पसंद है और इसके कंडीशनर तो bomb.com है, और अच्छी बात यह है कि साशेट में भी ये इजीली अवेलेबल रहते हैं हमेशा। सो द रेटिंग इज 6 बट आफ्टर फ्यू मिनट्स यू कैन सी द रेटिंग इज 6.5, वाओ, यू कैन इजीली यूज इट। नेक्स्ट है मेरे पास सनसिल्क का ब्लैक शाइन विद नेचुरल ऑयल्स, और इसको भी पीएच टेस्ट करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। शैम्पूज को आप नेचुरल ऑयल्स का नेम देते हैं और इसमें आर्टिफिशियल कलर ऐड कर देते हैं, दिस इज नॉट फेयर। तो जी, आप लोग भी देख सकते हो कि इसने बिल्कुल रंग बदल लिया मेरे रिश्तेदारों की तरह। एंड सो द रेटिंग इज 8, स्टॉप यूजिंग दिस। ये लास्ट है साशेट पामोलिव शैम्पू विद कोको क्रीम एंड मिल्क प्रोटीन। इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं कि इसकी पीएच वैल्यू क्या आती है। यू कैन सी क्लियरली कि फिलहाल इसने अभी तक कलर चेंज नहीं किया। सो द रेटिंग इज 6 बट आफ्टर फ्यू मिनट्स द रेटिंग इज 7.5। अच्छा जी, ये तो हो गई ऑल टू ऑल साशो की पीएच टेस्टिंग। जो लोग शैम्पूज की बॉटल परचेज नहीं कर सकते वो अभी भी अफोर्डेबल प्राइस में साशो को परचेज करके यूज करते हैं, तो मैंने सोचा कि साशो के भी पीएच टेस्ट कर देते हैं कि उनको प्रोडक्ट अच्छा मिलता है या नहीं। अच्छा, तो बॉटल में फर्स्ट है मेरे पास ट्रेस में शैम्पू कैरेटिन स्मूथ विद कैरेटिन एंड आर्गन ऑयल इज शाइनी एंड स्मूथ हेयर। तो जी, इसको भी करते हैं टेस्ट और देखते हैं कि इसका कलर अभी तक चेंज नहीं हुआ। एंड द रेटिंग इज 6। ऑनेस्टली मैं आपको दिखाती हूँ कि स्ट्रिप जब सूख गया तो इसका कलर चेंज हुआ है इस तरह से। सो द रेटिंग इज 7, इट्स अ न्यूट्रल। सेकंड है मेरे पास लोरियल का टोटल रिपेयर 5 शैम्पू। आई थिंक ये सबसे ज्यादा परचेज होने वाला प्रोडक्ट है इनका, बड़े बड़े मॉडल्स ने इसका ऐड किया हुआ है, और इसको भी हम पीएच टेस्ट कर लेते हैं। सो यू कैन सी क्लियरली कि कलर जो है वो फिलहाल अभी तक चेंज नहीं हुआ। एंड द रेटिंग इज 6। जो लोग इसे यूज कर रहे हैं वो यूज करें कंटिन्यूसली, और मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है ये शैम्पू, और इसका कंडीशनर भी bomb.com है। नेक्स्ट है मेरे पास हेड एंड शोल्डर न्यू क्रीम स्कैल्प सूथिंग फॉर सेंसिटिव स्कैल्प एंटी डैंड्रफ शैम्पू। तो जी, इसको भी करते हैं टेस्ट और देखते हैं कि ये भी ग्रीड की तरह रंग बदलता है या नहीं। बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला शैम्पू है और इसे बॉयज तो बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। फिलहाल इसकी रेटिंग 6 है बट इसमें ग्रीन से माइनर से डॉट आए हैं, अगर कैमरा कैप्चर कर रहा हो तो आप लोग देख सकते हो। कुछ मिनट बाद जब स्ट्रिप से पानी सूख गया था तो इनका कलर चेंज हो गया था, तो मैंने पिक्चर कैप्चर कर ली थी ताकि आप लोग को ऑनेस्टली दिखा सकूं, जिसमें ये तीनों है लॉरियल, ट्रेस्मी एंड हेड एंड शोल्डर। इन तीनों की पीएच वैल्यू 7 है, इट्स अ न्यूट्रल। एंड द लास्ट इज माय फेवरेट डव शैम्पू फॉर
ड्राइनेस केयर नरिशिंग शैम्पू फॉर रफ एंड ड्राई हेयर। डव के प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे होते हैं और आपके हेयर बॉडी एंड फेस के पीएच लेवल को मेंटेन रखते हैं। इनफैक्ट के डॉक्टर भी इसको रिकमेंड करते हैं। सो द रेटिंग इज 6। जो लोग इसे यूज कर रहे हैं वो यूज करते रहे और इसका बाद में भी कोई पीएच लेवल चेंज नहीं हुआ, विच इज वेरी वेरी गुड। अच्छा जी, तो आज का रिव्यू आप लोग के लिए यही था वर्स्ट टू बेस्ट शैम्पू, जिसमें आप लोगों ने देखा कि कुछ शैम्पूज पास भी हो गए, कुछ फेल भी हो गए। और इसी के साथ टेस्टिंग प्रोडक्ट का पार्ट 1 खत्म होता है। नेक्स्ट आपको किस चीज पर वीडियो चाहिए, फेस वॉश या मॉइस्चराइजर, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अपने फेवरेट शैम्पू के बारे में। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं डेली बेसिस या रिकमेंडेशन या वीडियो अपडेट्स वगैरह शेयर करती रहती हूँ। सो डू फॉलो मी। होप यू लाइक ऑल द डिटेल्स। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। माय यूट्यूब फैमिली लव यू। बाय बाय।